Now, children, start your next exercise. Exercise 3.5. Okay? 3.5. Subtract and check the answer in your notebook. आपको इन नंबरों को क्या करना है? Subtract करना है. इसके बाद इसे check करना है. तो बच्चों, 2 में 1 को minus करेंगे तो क्या आएगा? 1. और आपका 8 से 9 नहीं जाएगा तो आप इसे 12 करोगे तो ये आपका 18 हो जाएगा. 18 में से 9 गया 9 and here is your number is 6, 6 में से 3 गया 3 and 5 में से 2 गया 3. अब हमें क्या करना है? इन नंबरों को चेक करना है. चेक करने के लिए आपको जो आपका सब्ट्रैक्शन रिजल्ट आता है उसे आप क्या करेंगे? ये ऊपर राइट करेंगे 3, 3, 9 and 1. अब उसके बाद आप जिसको सब्ट्रैक्ट किए हैं, जिसमें से सब्ट्रैक्ट किए रहते हैं, उन नंबरों को लिखेंगे इसके नीचे, बड़े नंबर को ऊपर और छोटे नंबर को नीचे एंड 1. ओके, अब आप क्या करेंगे? इन नंबरों को प्लस कर देंगे. ओके, 1 1 2 9 9 8 3 3 6 1 7 and 3 2 5. लुक हियर, योर आंसर इज 5780 2 and here is your answer is 5782. Your children, your subtraction is correct. ये आपका चेक करने का फॉर्मूला है जिससे आप अपने सब्ट्रैक्शन को चेक कर सकते हैं कि आपने जो सब्ट्रैक्शन किया है वो राइट है या फिर रॉन्ग है. ओके, हम इसे ऐड करके चेक कर सकते हैं. जो हमारा सब्ट्रैक्शन होता है जिसमें हम छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट किए रहते हैं, जो हमारा सब्ट्रैक्शन रिजल्ट होता है और उसके जिस नंबर से सब्ट्रैक्ट किए रहते हैं, उन दोनों नंबरों को ऐड करने पे जो रिजल्ट होता है वो हमारा क्या होता है? चेक. ओके, एंड क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3.6 इज वर्ड प्रॉब्लम. योर क्वेश्चन इज अ स्कूल कोट कॉस्ट ₹870 इफ यू गेव ₹1000 नोट टू द शॉपकीपर हाउ मच मनी विल यू गेट बैक. एक स्कूल का कोट का रेट आपका क्या है? 870. ओके, और आप किसी शॉप पर गए हुए हुए कोट खरीदने और आपने शॉपकीपर को 1000 रुपीज का नोट दिया है तो आपको ये बताना है कि वो 1000 रुपीज में से आपके कोट का रेट 870 कट करने के बाद आपको कितने मनी बैक करता है. जिसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम आपको लिखेंगे यहाँ पे टोटल मनी. टोटल मनी आपके पास कितनी थी? ₹1000. ओके, कोट का कॉस्ट कितना था? ₹870. अब हमको ये पता करना है कि वो हमें कितने पैसे रिटर्न किया, कितने रुपीस रिटर्न किया. तो हम क्या करेंगे? इस 1000 में से 870 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे. ओके, तो 00 एंड हियर इज 7 एंड ये 00. हम क्या करेंगे? 100 के प्लेस से बारो करेंगे. ये भी नहीं देगा तो हम 1000 के प्लेस से बारो करेंगे. तो जब 1000 100 को देगा पहले तो ये 10 हो जाएगा और 10 जब इस 100 प्लेस 10th प्लेस को बारो करेगा तो ये 9 हो जाएगा और ये आपका 10 हो जाएगा. तो 10 में से 7 गया 3, 9 में से 8 गया 1. ओके, और ये आपका हो गया 0. तो आपका आंसर क्या आया? 130 रुपीज. ओके, आपको बैक करता है. इज दैट क्लियर? ओके बच्चों, ये आपका क्लास वर्क है और जितनी भी एक्सरसाइज आपकी क्लास वर्क है उसे आपको कॉपी पे राइट करना है अच्छे से. ओके, और सारे वर्क को आपको सबमिट करना है.